बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सौंफ इलायची वाली चाय, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपके पेट में दर्द है, या आपको लग रहा है आपने ओवर ईटिंग कर लिया है, या अगर आपको मैदा में भारीपन महसूस हो रहा है, तो आप इस चाय को ज़रूर ट्राई करें। इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने एक सॉस पैन के अंदर एक कप पानी डाल लिया। ये मैं आपको एक कप चाय की रेसिपी बता रही हूँ। जैसे ही पानी उबलना शुरू होगा, तो आपने इसके अंदर दो अदद इलायची को का मुँह खोल कर उसको इस पानी के अंदर डाल देना है। इलायची डालने के साथ ही आपने इसके अंदर एक टीस्पून सौंफ का डाल देना है। सबस जो आम सौंफ मिलती है बाज़ार में, बहुत आसानी से मिल जाती है, ये आप डाल दें। और डालकर आपने इसको कवर कर देना है सॉस पैन को। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको हल्की आग पर पकने देना है। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसका कवर उठाएंगे और इसके अंदर आधा चम्मच पत्ती डाल देंगे। इस चाय के अंदर बहुत ज़्यादा पत्ती अच्छी नहीं लगती, इसमें आप बिल्कुल हाफ़ टी स्पून जो पत्ती है वो डालिएगा। पत्ती डालने के बाद आप इसको दोबारा कवर करके 1 मिनट के लिए इसको दोबारा पकने दें, इसी तरह से हल्की आँच पर बिल्कुल। इसके बाद हम इसमें आधा कप दूध डाल देंगे, और दूध डालने के बाद मैं इसको दोबारा से कवर कर दूंगी, और कवर करने के बाद मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने दूंगी, ताकि अच्छी तरह से चाय का जो मेरे सौंफ और इलायची का जो असर है वो निकल आए। तो अब हम 3 से 4 मिनट के बाद चाय जो है उसको पकने देंगे और उसका ढक्कन उठा के देखेंगे। तो ये हमारी जो चाय है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें, इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। अगर आप चीनी ऐड करना चाहें तो इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें ऐड नहीं की। अब हम इसको निकाल लेते हैं कप के अंदर। जी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चाय तैयार हो गई है। और आप इसको अगर आप फील कर रहे हैं कि आपने ज़्यादा खा लिया है, या आपको ये पेट में दर्द है, तो आप ये चाय बनाकर पिएं, आप फौरी तौर पर ठीक हो जाएंगे। और इस चाय का अदरवाइज़ भी टेस्ट इतना अच्छा है कि अगर आप वैसे भी, अगर आपको पसंद आए, तो आप इसको वैसे भी बना कर पी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो पीनी है, अदरवाइज़ भी सौंफ इलायची की चाय का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे से अपनी फीडबैक